तो भाई लोग यार देखो, आज का मुद्दा और टॉपिक सब सिंपल सा है यार। मतलब थोड़ा सिंपल है, थोड़ा अटपटा चटपटा है। तो देखो यार, चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे रियल क्रिएट 22 के कोई टीज़र या ट्रेलर की कोई भी बात नहीं कर रहा, फर्स्ट लुक या किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं, सीधा गेम की रिलीज डेट की लोग बात कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं लोग। देखो यार, सबको पता है कि कोई भी गेम आने वाला होता है, कुछ भी आने वाला होता है, पहले उसका एक पोस्टर आएगा, टीज़र आएगा, उसकी हाइप क्रिएट की जाएगी, भाई उसका फर्स्ट लुक आएगा, भाई ट्रेलर आएगा, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना लॉन्च करेंगे यार। अब देखो ये चीज़, छोटे छोटे बच्चे तो है नहीं जो हमें बतानी पड़ेगी बार बार। अब देखो हाँ, वो अलग बात है कि इस कम्युनिटी में पिकाचू थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, गेम का पहले टीज़र आएगा, और अगर सब कुछ सही रहता है तो देखो यहाँ पे 14 जनवरी को आपको कुछ ना कुछ गेम का देखने को मिल सकता है। बट अगर सब कुछ सही रहता है, गेम की रिलीज डेट की बात करूँ, तो लास्ट वीक ऑफ मार्च से लेके सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक दी। जी हाँ गाइस, मतलब सच बताऊँ तो वो आ सकता है इजीली, क्योंकि अगर सब कुछ सही आ गाइस, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। अगर कोविड प्रॉब्लम नहीं होता तो अब आपको भी पता होगा यार, हर जगह लग रहे हैं लॉकडाउन, कई जगहों पर लग चुके हैं, और इंडिया में लॉकडाउन की काफ़ी बड़ी सिचुएशन ऐसे देखने में लग रही है। तो इसके बारे में कल बात करेंगे डिटेल में। तो नेक्स्ट टॉपिक पे देखो, RC22 न्यू गेम होगा या ओल्ड, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अपडेटेड भी होगा तो भी चलेगा। देखो यार, क्योंकि इसका इंजन चेंज किया जा रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की जा रही है, तो आपको ये RC20 जैसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा गाइस। जी हाँ गाइस, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और इसमें सबसे मेन चीज़ आती है मैकेनिज्म एंड प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ योर डिवाइस, समझ रहे हो। तो प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ योर डिवाइस क्या है, देखो यार ये चीज़ के ऊपर मैं कल बात करूँगा, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि देखो, आपका जो फ़ोन है वो 2GB का है या फिर 3GB का है, तो देखो हर फ़ोन के हिसाब से लो ग्राफिक्स, हाई ग्राफिक्स, मीडियम ग्राफिक्स, बैलेंस्ड ग्राफिक्स, अल्ट्रा ग्राफिक्स कुछ इस टाइप से सपोर्ट करती है। तो आप कहोगे कि यार ये क्या है भाई, उसी ग्राफिक को धुंधला कर दिया तो वो बन गया, उसी ग्राफिक को ऐसा कर दिया तो वो बन गया। जी गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप मान लो, जैसे आपको एक ही होमवर्क को 5 पेजेस में कॉपी करना है, तो आप उसको अलग अलग करोगे ना, एक ही बार में तो नहीं होगा, और उसको अलग अलग राइटिंग्स में करोगे। तो गाइस इसमें भी कुछ वैसा ही है, ये है आपके फ़ोन का मैकेनिज्म। और जी हाँ गाइस, ये मैकेनिज्म में बहुत डिपेंड करता है, एंड आपकी प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ योर डिवाइस। जी हाँ गाइस, ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और आपके ये पिकाचू यूट्यूबर्स आपको नहीं बताने वाले, क्योंकि इनको कुछ नहीं पता गाइस इस बारे में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यही मैटर करता है, क्योंकि अगर डेवलपर्स को गेम ही बनाना है तो गाइस यार, जो अपडेट को 3 महीने में बनाते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, तो गाइज उसको वो 1.5 महीने में कर सकते हैं, अगर बग फिक्स और ये डेवलपिंग स्पीड योर प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ डिवाइस पे ध्यान ना दे। क्योंकि देखो फिर तो सिर्फ 6GB रैम में, 8GB रैम में चलेगा, बट आपके फ़ोन में नहीं चलेगा, जस्ट बिकॉज उन्होंने उस पर काम नहीं किया सही से, प्रोसेसिंग स्पीड और एक्स्ट्रा ग्राफिक्स दिए ही नहीं ना, जैसे कि जस्ट अल्ट्रा ग्राफिक्स है, उसमें लो ग्राफिक्स तो है नहीं जो 2GB 3GB में चले, क्योंकि 1GB फ़ोन अब बहुत ही कम लोगों के पास होता है। तो गाइज रीज़न ये है, आखिर रियल क्रिएट 22 इतना डिले क्यों हो रहा है। देखो यार, डिले होने का सबसे पहला रीज़न, ये फुल मल्टीप्लेयर बेस्ड गेम है, और यहाँ पे जैसे कि दूसरे मल्टीप्लेयर बेस्ड गेम है जो ई स्पोर्ट्स के अंदर है, जैसे आप ले लो पबजी, फ्री फायर, और भी जैसे हमारा COD, जैसे कई सारे गेम्स हो गए, ये इतना ज़्यादा ई स्पोर्ट में क्यों है। तो गाइज इसका सबसे पहला रीज़न है गाइज, जो गेम रिस्की होता है, जैसे जस्ट एक मिस्टेक में बंदे की डेथ कंफर्म, और इस प्लेयर को बैठना पड़ेगा पूरे गेम के अंदर, तो इस तरह का रियल क्रिएट में कुछ नहीं है। अगर हाँ, ये 4-11 vs 11 तो नहीं करा सकते, क्योंकि एक पूरी 11 लोगों की टीम बनाना बहुत मुश्किल है, और वो भी क्रिकेट कम्युनिटी में। हाँ बट 4v4 कराया जा सकता है, एक टीम में 4 प्लेयर होंगे जो 11 प्लेयर्स को हैंडल करेंगे, और जो आपका कैप्टन होगा गाइज वो थोड़े ज़्यादा प्लेयर्स हो सकते हैं हैंडल करे कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सब गलत है, बट जो आपका सबसे वीक प्लेयर होगा वो 2 प्लेयर्स को ही हैंडल करेगा, कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, और बाकी वो सब कंपनी के ऊपर डिपेंडेड है। तो इस तरह से अगर होगा गाइस, तो यार ई-स्पोर्ट देखने में बहुत मज़ा आएगा, और ऐसा एक तरह का करियर मोड जैसा ही आपको लगेगा। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है ना कि आपने रियल लाइफ में गेम में देखा होगा कि एक ही बंदा पूरे गेम को चेंज कर देता है, तो कुछ इस तरह से इसमें भी एक ही बंदा मल्टीप्लेयर में गेम को चेंज करेगा ई स्पोर्ट के अंदर, जो देखने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन आपके जो यूट्यूबर्स हैं उस पर सपोर्ट कभी नहीं करने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ई स्पोर्ट भाई, इनको ई स्पोर्ट का ई तक नहीं आता, मैं सच कह रहा हूँ, आप लोगों को बुरा लगेगा बट कड़वा है दोस्त, पर सच है। तो गाइस देखो, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।